वाले वाले अब नहीं, लाने वाले अब नहीं, वेस्टिंग टाइम अब नहीं, वेस्टिंग फ्यूल अब नहीं, क्योंकि पढ़ाई होगी डिजिटल, अब बिजनेस होगा डिजिटल, स्वास्थ्य सेवाएं डिजिटल, सरकारी सुविधा डिजिटल, अब शेयर करेंगे डिजिटल, अब साइन करेंगे डिजिटल, नाम करेंगे डिजिटल, सब काम करेंगे डिजिटल। अब इंडिया होगा इलेक्ट्रॉनिक हब, एम्प्लॉयमेंट होगा सबका हक, ई वेस्ट होगा कम से कम, स्वच्छ बनेंगे सब के साथ, इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल। भारत हो जिसपे हो हमको नाज, मेरे दिल से आ रही आवाज, भारत ऐसा हो जिसपे हो हमको नाज, आओ हाथ बढ़ाओ, आओ तुम भी आओ, आओ हाथ बटाओ, आओ सब आ जाओ, डिजिटल इंडिया। जब मैं डिजिटल इंडिया कहता हूं तब ये बड़े लोगों की बात नहीं, ये गरीब के लिए। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। जहां डॉक्टर नहीं पहुंच पाते, अगर हम टेली मेडिसिन का नेटवर्क खड़ा करें तो वहां पर बैठे हुए गरीब व्यक्ति को भी किस प्रकार की दवाई की दिशा में जाना उसका स्पष्ट मार्गदर्शन मिल सकता है। सामान्य मानवीय की रोजमर्रा की चीजें, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, हिंदुस्तान के नागरिकों के पास बहुत बड़ी तादाद में मोबाइल कनेक्टिविटी,
लेकिन क्या ये मोबाइल गवर्नेंस की तरफ हम जा सकते हैं? अपने मोबाइल से वो बैंक अकाउंट ऑपरेट करे गरीब आदमी, वो सरकार से अपनी चीजें मांग सके, वो अपनी अर्जी पेश करे, अपना सारा कारोबार अपने चलते चलते मोबाइल गवर्नेंस के द्वारा कर सके। और ये अगर करना है तो हमें डिजिटल इंडिया की ओर जाना है। अब भारत होगा डिजिटल। अब हर गांव जुड़ेगा इंटरनेट से। अब सरकारी काम भी होंगे ऑनलाइन।